वेक्टर्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फिजिक्स में पढ़ते ही क्या है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्या वो वेक्टर्स होती होता है? रिजो नहीं, रिजो पढ़े थे ना कि और क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है लेकिन स्केलर क्वांटिटी होती है करंट, और क्या बोलते हैं, एंड आल्सो फॉलो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो चार वेक्टर क्वांटिटी आल्सो फॉलो वेक्टर रूल ऑफ, ठीक है ना। एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन और कॉल्ड वेक्टर, others are called skills, others are skills। अब मैथ्स में तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज तो है नहीं, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर बात करें क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर वेक्टर्स, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को मतलब फाइनाइट लेंथ, इसकी कोई डायरेक्शन है नहीं, को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है वेक्टर ए बी, इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, दिस इज लाइन ऑफ सपोर्ट, इस पे ये वेक्टर ए बी, एंड स्केलर्स क्या है, स्केलर्स आर रियल नंबर्स इन मैथमेटिक्स, ये लिया जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स को वेक्टर्स, वहां स्केलर क्वांटिटीज इन जनरल नहीं देखनी हमें, और जो कहीं अगर स्केलर लिखा है तो उसका मतलब क्या समझे, रियल नंबर अगर कहीं लिखा है k इनटू वेक्टर है, k क्या है यहां मतलब k स्केलर है, तो स्केलर का मतलब रियल नंबर है, तो रियल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नल वेक्टर इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट ए को, बी को टर्मिनल पॉइंट, एक इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कौन से, ये दोनों पॉइंट वन साइड कर जाए, पॉइंट वन साइड, देन वेक्टर इज नल वेक्टर, डिनोटेड एज वेक्टर के ऊपर जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन बना दिए, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं नल वेक्टर। सेकंड, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट, यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट मतलब वन है उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर,
तो यहाँ वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज रिटन एज मॉड ए, ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसके एक वैल्यू है, जैसे कि अगर हम वेक्टर ए को ऐसे लिखें आई कैप जे कैप के टर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस के अलावा जे कैप है, जेड एक्सिस के अलावा के कैप है, किसी वेक्टर ए का कंपोनेंट इनके अलावा एक्स वाई जेड, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इफ ए इज दिस वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। देयरफॉर यूनिट वेक्टर अगर आपको लिखना है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप, जनरली हम लोग ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, उससे कहते हैं यूनिट वेक्टर। अगर कहीं पर भी किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा है तो उसका मतलब वो यूनिट वेक्टर, कैप नहीं लगा है तो क्वेश्चन में अगर यूनिट वेक्टर लिखा है तो हम यूनिट लेंगे उसके अकॉर्डिंग। नोट कर लीजिए, तो अभी बच्चों मेरे ख्याल से था सर भी क्लास, तो हो सकता है ऑनलाइन ले लें कल जैसे ली, हाँ लेकिन इंस्टीट्यूट कुछ दिन नहीं आएंगे मुझे लग रहा, क्योंकि तो अभी अभी जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, अभी मैसेज आया कि पॉजिटिव आ गया, टेस्ट कराया परसों, टेस्ट कराया दो तीन दिन से तो आ नहीं है। हाँ आप लोग के साथ कम मेरे साथ ज्यादा बैठते थे तो हाँ आप लोग से हाँ अरे वो चिंता ज्यादा होनी चाहिए तो बी कंफर्टेबल और उसके गाड़ी बेटर है, हाँ थोड़ा डिस्टेंस मार कर रहे हैं क्योंकि उससे जब पहले हुआ था उस समय भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी कि इंस्टीट्यूट में या हम लोगों में किसी को भी नहीं सुना था, लेकिन अब हाँ सुन रहे हैं कि हाँ बच्चों में से किसी को या फिर हाँ टीचर्स में से तो थोड़ा और सावधान रहने की जरूरत है। झांसर को हो गया? हाँ झांसर अभी अभी आया है तो, लेकिन उसमें हाँ पैनिक होने की जरूरत नहीं अपनी क्लास, लेकिन कल सर ने कल शाम को भी ली थी इलेवेंथ वाली क्लास, ठीक है अगर सर लेंगे तो आप बता देंगे, तबीयत तो वैसे ठीक है लेकिन हाँ फीवर वगैरह है 100, 102, 101 ऐसे फीवर है, तो वह अपना जैसा कंफर्टेबल होंगे बता देंगे आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेस रहें। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए का, तो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे किसको रिप्रेजेंट करते हैं ए का, और ए का वो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का, तो क्या लिखेंगे ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये होता है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर था आई कैप जे कैप के दिस वेक्टर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स क्या लिए जाते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें यूनिट वेक्टर्स और ये वन पढ़ लिया हमने जीरो वेक्टर्स, नेक्स्ट है प्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स,
एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर इन जनरल फिजिक्स में यूज होता है। फ्री वेक्टर्स, जितने वेक्टर्स मैथ्स में हम लोग एज्यूम करते हैं वो सब फ्री वेक्टर्स ही लेते हैं, फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं फ्री वेक्टर्स, लेकिन लोकलाइज्ड वर्ड वहां की यूज हो लिखा नहीं होता, मतलब डिफरेंस बस हम थोड़ा सा देख रहे हैं स्टार्टिंग में फिजिक्स के साथ। इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड, पैरेलल टू इटसेल्फ, if a vector is shifted parallel to itself to any point as its initial point, without changing magnitude, if a vector is shifted parallel to itself to any point as its initial point without changing its magnitude, then physical effects due to it on the system changes, then vector is localized vector. So vector localized vector ho. Yeah, samjhe? Yeah, ek rod liye, theek hai? Ye point hai ko. Yahan pe main ek force apply karta hu. इस पॉइंट के वो बेटा देखो ये क्या है आर वन डिस्टेंस, पॉइंट ओ के अबाउट इस फोर्स एफ का टर्म क्या हो, आर क्रॉस एफ हो और आर वन क्रॉस एफ हो। इस फोर्स को अगर मैं मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए पैरेलल इसके शिफ्ट कर देता हूं, अभी भी ये फोर्स क्या है, एफ ही फोर्स तो एफ ही है, डायरेक्शन वही। अब क्या हो गई आर टू डिस्टेंस वेक्टर, तो अब ये जो टर्क होगा वो क्या होगा आर टू क्रॉस एफ होगा, मान लीजिए टाउ वन था और ये टाउ टू है, ये दोनों क्या हो गया चेंज हो रहा है, पैरेलली शिफ्ट किया, लेकिन इससे फिजिकल इफेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे लोकलाइज्ड, तो ये फोर्स इज लोकलाइज्ड वेक्टर फिजिक्स में यूज होंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। मैथ्स में हमें कोई फिजिकल इफेक्ट तो देखना नहीं, तो जितने ही वेक्टर्स लिए जाते हैं वो क्या आते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब इस वेक्टर ए को किसी भी दूसरे पॉइंट को इनिशियली शिफ्ट कर दीजिए, ये वेक्टर भी क्या है ए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं करें, ये भी जैसे एफ था ये एफ ही है, वैसे ये ए है तो ये भी ए है, इसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, इधर ले गए तब भी वेक्टर ए, ये ए है ये ए, पैरेलल किसी भी पॉइंट को, ये पॉइंट है यहाँ इनिशियल पॉइंट है, इसके पैरेलल होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी फिजिकल इफेक्ट हमें देखने नहीं होते, इसलिए मैथ्स में जितने वेक्टर लिए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं फ्री वेक्टर। इन मैथमेटिक्स अ वेक्टर इज टेकन एज फ्री वेक्टर, अब वो लोकलाइज वेक्टर भी ले सकते हैं, मान लो मैथ्स में ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर वन एफ दिया है फोर्स वगैरह दिया है, तो ठीक है वो मैथ्स में फिजिक्स के साथ कंबाइन करके अगर क्वेश्चन बना दे तो, लेकिन मैथ्स फिजिक्स को अभी कंबाइन करके जल्दी नहीं बनाते हैं, बनाते भी तो फिजिक्स में पूछते हैं मैथ्स में नहीं पूछते। इन मैथमेटिक्स अ वेक्टर इज टेकन एज एस फ्री वेक्टर, दैट इज can be shifted to
any point, any space as its initial point without changing magnitude and direction. Without changing magnitude and direction. Magnitude और direction को अगर आप change नहीं कर रहे तो वो वेक्टर वही रहेगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा. Just giving equal vectors. Two vectors are said to be equal vectors. They have same magnitude and same direction as the original question. Please man. लिखना पड़ेगा तो और एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी. आल्सो रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें. इसकी जरूरत नहीं होगी. मैच में दो वेक्टर्स दिए हैं, ये और भी, तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, हम कह देंगे इक्वल वेक्टर्स. Next, two initial vectors. Word co initial का मतलब सबका initial point क्या होगा? Same. Co initial vectors. Vectors having same initial point. Same initial point. It's called co-initial vector. Or called co-initial vector. Still vector. Initial point same. So vectors A, B, C. In the way, initial point agar same hai, usse kya kahenge? Co-initial vectors. Agar initial point same nahi hai, तो शिफ्ट करके इनिशियल पॉइंट सेम बना सकते हैं. मान लीजिए ये तो वेक्टर्स हैं, अभी क्या इनिशियल पॉइंट सेम नहीं, पैरेलल शिफ्ट कर दो तब भी तो वेक्टर बने. तो इनिशियल पॉइंट सेम बनाया जा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन में जो रहते हैं इनिशियल पॉइंट सेम बनाने के, बना सकते हैं. इवन टर्मिनल पॉइंट सेम बना तब भी बना सकते हैं ऐसे शिफ्ट करके. ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम बनाना है, टर्मिनल पॉइंट सेम बनाना है, जैसी जरूरत है क्वेश्चन में वैसे शिफ्ट करके बनाया जा सकता है. अगर पहले से इनिशियल पॉइंट से मैं तो उसे कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इनिशियल पॉइंट से बनाना तो शिफ्ट करके बनाया सकता है. ऐसे ही को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स जिसमें टर्मिनल पॉइंट से वेक्टर्स हैविंग same terminal point, same terminal point are called co-terminal. Jinka terminal point same, un sabhi vectors ko kya kahenge? Co-terminal vectors.
नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर है स्पेस में उनको ऐड करना है तो सबसे पहले क्या करना है, उनका इनिशियल पॉइंट से बना दे, वो इनिशियल वेक्टर बना दे। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर को ऐड करना है, क्या करी शिफ्ट करके इनिशियल पॉइंट सेम बना लिया। अब ये कौन से वेक्टर्स हो गए ए और बी। अब क्या करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम में शिफ्ट करना है, इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाए, इसके पैरेलल पैरेललोग्राम बन जाएगा और ये जो डायगोनल होगी ये इसको रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों के वेक्टर सबको। जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी था कहीं, लेकिन हमने उसको शिफ्ट करके इनिशियल पॉइंट सेम बना लिया सबसे पहले। अब यहाँ एक पैरेललोग्राम बनाइए, इसी के पैरेलल बी से एक लाइन मान लीजिए और एक से ओबी के पैरेलल लाइन मान लीजिए। ये वेक्टर भी क्या हो, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर बी, ये सी वेक्टर लिखना है तो ये ओबी के इक्वल हो, लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। ऐसे ये वेक्टर ए हो तो यहाँ जो ये वेक्टर ओ सी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर। अच्छा ए माइनस बी बनाना हो तो बी की अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो क्या हो जाता है, माइनस बी। अब यहां पे पैरेललोग्राम बनाइए, ये जो a है ये माइनस बी, इन दोनों का सम आएगा यहां से ओ डिजिट, a और माइनस बी का सम क्या हुआ, a प्लस माइनस बी, दैट इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इस वेक्टर को बनाओगे ये वेक्टर माइनस b और ये वेक्टर माइनस a, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल तो बहुत बेसिक पॉइंट है, अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे हम जाएंगे और इंटर वेस्ट क्वेश्चंस जब देखेंगे तो उनमें भी देखेंगे कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चन जिसमें सोचना पड़ेगा। ये वेक्टर ए ट्रायंगल ऑफ हमें, ये वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी था, हमें क्या करना है उसको शिफ्ट करके उसका इनिशियल पॉइंट ए पे लाना, जो इसका टर्मिनल पॉइंट है उस पे इसका इनिशियल पॉइंट रखना है वेक्टर बी। अब इसके इनिशियल पॉइंट को इस टर्मिनल पॉइंट से जब बाइंड करते हैं उसी को क्या कहते हैं, वेक्टर ए प्लस बी। ये एक से ज्यादा वेक्टर नहीं लगा सकते हो, फिर सी भी है मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे बी के टर्मिनल पॉइंट पे सी रखे इनिशियल पॉइंट, फिर इसको लाइन ए प्लस बी प्लस सी बन जाए, यही पार्ट बनाया देखिए, ये करें ये ओ ए ये बी ए प्लस बी, ये ट्रायंगल का ये पार्ट बना दी। अच्छा ये बताइए इस स्पीड में ये पैरेललोग्राम की ये डायगोनल ए प्लस बी, ये वाली डायगोनल क्या होगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, एक तो माइनस बी बना करके बना सकते हो बी की डायरेक्शन चेंज करके, दूसरा क्या है एक वेक्टर ए आपने बनाया बी बनाया इसी के इनिशियल पॉइंट,
हम अगर दोनों का टर्मिनल पॉइंट लाइन करते हैं तो क्या मिलता है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे क्या रखा था, इसका टर्मिनल पे इसका इनिशियल रखा था, यहाँ मिला था वेक्टर ए प्लस बी, इन दोनों के टर्मिनल को जॉइन किए, मतलब ये वाला पार्ट भी मिला। अगर बी से ए की तरफ जा रहे हैं ये बनेगा ए माइनस बी, मतलब वेक्टर बी ए लिख रहे हो तो क्या बन रहा है, ओ ए माइनस ओ बी, दैट इज ए माइनस बी। अभी समझ सकते हो इन दोनों का सम, ये इसके टर्मिनल पे नीचे रखा है, ए बी लिखोगे तो बी माइनस ए आएगा, बी ए लिखा है तो ए, कोई डाउट। इसी से एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी आती है जो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी थी, बॉर्ड में वही वेक्टर्स में भी अप्लीकेबल, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ध्यान से ये सुन लीजिए फिर लिखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी से हमेशा लेस होगा क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। अगर ये फोर यूनियन होंगे एक ही लाइन में होंगे तब इक्वल आया, तो यहाँ माइनस लिखे तो तभी ट्रू है, इन दो साइड्स का सम इसके थर्ड साइड से बड़ा होगा। अच्छा ऐसे ही हम ये लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, अगर डिफरेंस लिख रहे हो तो ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए, और ये क्या होगा थर्ड साइड से छोटा होगा, यही है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू इज इक्वल टू मॉडुलस जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू मॉडुलस जेड वन प्लस मॉडुलस जेड टू, वही वेक्टर्स नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। नोट करिए और इसी तरह सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पहले देखते हैं। Questions first, yeah. And the number of distinct unit vectors and the number of distinct means different unit vectors perpendicular to a given plane in space. A given plane in space. स्पेस में एक प्लेन है, प्लेन मीन्स प्लेन सरफेस, एरोप्लेन नहीं प्लेन सरफेस, उस पर कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर, कितने होंगे। जब ये देखिए व्हाइट बोर्ड पे है, मान लीजिए इस मार्कर की लेंथ 1 यूनिट, ये एक यूनिट वेक्टर का है, मान लीजिए वेक्टर के का ये क्या होगा, ये दूसरा होगा नहीं, ये वो सेम है क्यों, पैरेलल डायरेक्शन सेम है, यही ये अगर प्लेन सरफेस है इस पर ये परपेंडिकुलर, इसको ऐसे शिफ्ट किया तो इसके पैरेलल हुआ, पैरेलल हुआ, ये सारे क्या है सेम, ये सारे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे एक ही वेक्टर हैं, तो एक वेक्टर ये हुआ, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज कर दे तो
अगर इधर n कैप है तो इधर माइनस n कैप है, तो दो वेक्टर्स हैं किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। चलिए मैग्नीट्यूड वन यूनिट ही दे सकते हैं। आंसर क्या हुआ? एक लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर? लाइन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर, देखिए ये लाइन है, स्पेस में लाइन है, इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए रेड मार्कर एक वेक्टर हल्का सा चेंज करोगे तब भी 3D है, परपेंडिकुलर ही रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री के रोटेशन में, और 0.0001 डिग्री भी डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्या होगा? वेक्टर चेंज हो जाएगा तो कितने वेक्टर होंगे? इनफाइनाइट वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, ये वेक्टर सम पर जरूर पढ़ा था, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, इसे यूनिट वेक्टर then find the magnitude of their difference. So उनके difference का magnitude calculate की, दो unit vectors का sum एक unit vector है तो उनके magnitude का difference का यूनिट वेक्टर्स का सम एक यूनिट वेक्टर है दूसरा वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड भी वन यूनिट, दोनों का वेक्टर सम चाहिए था मुझे, पर ये वेक्टर बनाया ओके ओ ए बी, ये ओ बी क्या होगा? ये बनेगा ए प्लस बी, ये वेक्टर ए प्लस बी इसका मैग्नीट्यूड भी कितना? वन यूनिट। ये कुछ
अब हमें a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है? ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर डॉट प्रोडक्ट कभी नहीं आता है मान लेते हैं, तो ट्राइंगल कोसाइन रूल से लगा सकते हैं। ये तीनों का मैग्नीट्यूड 111 है, ट्राइंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ट्राइंगल हुआ 60 डिग्री। अब अगर मुझे डिफरेंस चाहिए तो बी की जगह क्या बनाओगे? माइनस बी, एच बना लिया माइनस बी, अच्छा बनाओ। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? वन। ये वेक्टर क्या बनेगा? इसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है एक्स, बड़ा जो ये एक्स है, ये एक्स कैलकुलेट करना है। ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना होगा? इस ट्राइंगल में इस साइड की लेंथ पता है 1, इस साइड की लेंथ पता है 1, और इस साइड की लेंथ एक्स कैलकुलेट करनी है, एंगल पता है 120। क्या करेंगे? कोसाइन रूल लगाएंगे। कोसाइन रूल क्या होता है? cos a और cos 120 डिग्री बराबर b स्क्वायर राइट, 1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपोजिट साइड x स्क्वायर अपॉन 2bc। cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बराबर 1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 3, तो x की वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो a डॉट b आएगा, a डॉट b वहां रखो, क्या रखोगे वहां से, उससे भी आंसर आ जाएगा। आगे हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? फोर्थ क्वेश्चन, इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स, a and b are two vectors and k be any scalar quantity, k be any scalar quantity greater than 0, greater than 0, then prove that magnitude of a plus b whole square is less than equal to 1 plus k into magnitude a square plus 1 plus 1 by k magnitude b square। a कोई स्केलर क्वांटिटी मतलब रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस में क्या है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस के इनटू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस 1 बाय के इनटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं भाई, एलएचएस में के नहीं है तो सबसे पहले के को एलिमिनेट करते हैं। यहां है के है 1 बाय के, कैसे एलिमिनेट हो? प्लस में am greater than equal to am, वैसे भी greater than equal to am तो करना, वैसे arithmetic में is greater than or equal to geometric में क्या लगा? k into magnitude a square plus 1 upon k into magnitude b square upon 2 greater than equal to geometric में तो क्या होगा? k into magnitude a square
into 1 by k into magnitude b square per square. ये आंसर क्या है magnitude a into magnitude b 2 से मल्टीप्लाई हो ये वैल्यू आ गई k into magnitude a square plus 1 by k into magnitude b square that is greater than equal to 2 times magnitude a into magnitude b होगा और इसके प्लेस पर वैल्यू रख देते हैं लाइक इन दोनों तरफ ऐड कर दो magnitude a square plus magnitude b square तो RHS क्या बन गया greater than or equal to magnitude a square plus magnitude b square plus 2 magnitude a magnitude b magnitude a magnitude b तो real numbers हैं positive real numbers हैं तो x square plus y square plus 2xy वैल्यू क्या होगी x plus y whole square इसमें और जो given quantity इसमें थोड़ा difference रखें अब यहाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हमें ये पता है मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू इसके आ जाए हम ये लिख सकते हैं दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए प्लस बी होल स्क्वायर ये रिजल्ट है और ये जिस वैल्यू से ग्रेटर है कोई प्रॉब्लम कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स शो करें वेक्टर्स में कोलिनियर और पैरेलल का एक ही जैसे कि ये दो वेक्टर्स हैं ये पैरेलल है इसको शिफ्ट कर सकते हो इसका इनिशियल पॉइंट इसी पे ले सकते हो कोलिनियर का मतलब क्या होता है एक लाइन में तो वेक्टर्स के लिए वेक्टर्स वर्ड के लिए कोलिनियर लिखें और पैरेलल लिखें दोनों एक ही ठीक है जब इनके डायरेक्शंस मतलब लाइन क्या होंगे पैरेलल तो हम क्या करेंगे पैरेलल है और कोलिनियर तो ये इसी को लिख लिया टू वेक्टर्स आर सेट टू बी पैरेलल आर सेट टू बी पैरेलल इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट are parallel to each other agar unke directed line segment ek dusre ke parallel hain jaise ye hai vector a maan liye aise vector b direction agar change bhi hai to bhi ye sabhi kya hai parallel or collinear magnitude alag alag ho sakte hain मान लीजिए इस तरह सभी मैग्नीट्यूड डिफरेंट इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम ठीक है आर सेम सिंस आर डायरेक्शन वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स उन्हें क्या कहते हैं लाइक वेक्टर्स जैसे इसमें क्या है A और B, A and B are like vectors. A और B like vectors. Like vector है तो कोई भी दो vectors अगर parallel हैं तो A को हम क्या ले सकते हैं? हम scalar times B, A बराबर lambda times B. Like vector है तो lambda की value greater than zero. कोई भी value हो सकती है positive negative तो parallel है या collinear.
ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी, जैसे कि यहाँ पे 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। यहाँ वेक्टर ए और सी, वेक्टर्स ए एंड सी आर अनलाइक, बी एंड सी आर अनलाइक वेक्टर्स। जहां से अगर आपको लिखना है सी बराबर लैम्डा टाइम्स के लिख रहे हो या के टाइम्स ए लिख रहे हो तो के क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गए। सी बराबर के टाइम्स बी लिख रहे हो तो बी क्या हो गया, ए निगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट है तो इसे अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। ए ए वन आई का प्लस ए टू जे का प्लस ए थ्री के का एंड बी, बी वन आई का प्लस बी टू जे का प्लस बी थ्री के का, और पैरेलल, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो और कोलिनियर, दैट कोलिनियर, देन व्हाट वी कैन से, तो आप डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हो, ए वन अपॉन बी वन शुड बी इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू शुड बी इक्वल टू ए थ्री बाई बी, पैरेलल है या कोलिनियर है, अनलाइक हो या लाइक हो, दोनों ही केस लाइक होंगे तो ये सभी वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, अनलाइक होंगे तो निगेटिव आ जाएगी, ये रेशियो किसी ना किसी वैल्यू में इक्वल होगा। इसी से प्रूव कर सकते हो, तो अगर लिखना है क्या लिखोगे, ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी, ए मतलब क्या हुआ, ए वन आई का प्लस ए टू जे का प्लस ए थ्री के का बराबर लैम्डा टाइम्स बी वन आई का प्लस बी टू जे का प्लस बी थ्री के का। अब कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ, आई कैप जे कैप के कैप का कोएफिशिएंट, तो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या हुआ, ए वन बराबर लैम्डा बी वन, इसी तरह से ए टू बराबर लैम्डा बी टू एंड ए थ्री बराबर लैम्डा टाइम्स बी थ्री, ए वन अपॉन बी वन कितना हो गया लैम्डा ए टू बाई बी टू लैम्डा ए थ्री बाई बी थ्री लैम्डा, ये रेशियो इक्वल है। क्वेश्चन में कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल आर कोलिनियर आ रहे हैं तो उनको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, के कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल है तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे और कोलिनियर होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, अगर एक वेक्टर को कई वेक्टर के टर्म में लिखें लीनियर, जैसे कि यहां पे देखो ये वेक्टर ए क्या लिखा, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म, हम ये कह सकते हैं ए इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, कोई भी वेक्टर्स 3D स्पेस में हमारे आई कैप जे कैप के कैप का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह से इफ एनी वेक्टर आर इज रिटन एज आर इज इक्वल टू अब सब जीरो नहीं है, नहीं तो ठीक है, all not zeros, तो r को हमने किसके टर्म लिखा,
a1 a2 a3 an इन वेक्टर्स के टर्म में लिखा है तो हम क्या कहेंगे हियर r इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 a3 an और वैसे r इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स a1 a2 up to a ये a1 a2 a3 an की पर लीनियर कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत ऐसे लिखा ये वेक्टर ऐसे लिखा है 2a plus 3b minus 5c क्या कहेंगे आर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी लीनियर कॉम्बिनेशन ए बी सी केवल 2a plus 3b लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी जैसे लिखा हो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग कोई भी डाउट नेक्स्ट इसमें लिखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स लीनियरली independent and dependent vectors linearly independent and dependent vectors taking If a set of vectors a1, a2 up to an are such that x1 vector a1 plus x2 a2 up to xn an is equal to 0 vector. यहाँ x1 x2 xn क्या है इसके और इसके ये है मान लीजिए इसके एक ऐसा तभी हो जब ये x1 x2 xn सभी जीरो हो जाए तब जीरो हो जाए तो क्या कहेंगे ये वेक्टर्स क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब एक को बाकी के टर्म में नहीं लिख सकते डिपेंडेंट मतलब एक को बाकी के टर्म में लिख सकते हैं जैसे कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं तो वो है डिपेंडेंट ठीक है एक को बाकी के टर्म में नहीं लिख पाए तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स a1 a2 अप टू an आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट ये वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे यानी मान लीजिए ऐसे लिखो एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस जेड के का इज इक्वल टू थ्री तो एक्स वाई जेड तीनों क्या होते हैं जीरो तभी है तो आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट आई कैप को हम जे कैप के कैप के टर्म में लिख सकते हैं जे कैप को आई कैप के कैप के टर्म में लिख सकते हैं एंड अगेन यही इफ ऑल x1 x2 xn आर नॉट जीरो यहां पे अगर ये सब जीरो नहीं है इसका मतलब a1 को बाकी के टर्म में लिख सकते हो बाकी को आरएचएस मिल जाओ अपॉन x1 डिवाइड करो तो a1 a2 a3 an में आ गया a2 a1 an में आ गया तो एक दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा डिपेंडेंट इफ ऑल दिस आर नॉट जीरो देन वेक्टर्स आर वेक्टर्स a1 a2 an आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे होंगे लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट
ये था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड कर, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट, केवल दो वेक्टर्स हैं और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो लिखा, तो एक्स और वाई जीरो नहीं है, तो ए क्या आ गया माइनस वाई बाई एक्स बी, इसको लैम्डा लिखा तो ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी, और ए बराबर लैम्डा बी हो तो क्या होता है, वो नहीं है डिपेंडेंट। Then A and B are co-linear. और parallel. ये vectors क्या होंगे? Co-linear होंगे या parallel? मतलब इन तीनों वर्ड का एक ही मतलब हो जाएगा, दो वैक्टर हैं, दो से ज्यादा है तब नहीं, दो है लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका मतलब वही co-linear है या parallel, ठीक है। Then A is equal to lambda times B. या फिर अगर वेक्टर्स ऐसे लिखा हुआ है ए बराबर, जैसे पहले बताया था आपको ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री जे कैप, एंड बी बराबर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री जे कैप, तो यहां से क्या लिखेंगे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट भी लिखा है, केवल दो ही वेक्टर है, उसका मतलब वो कोलिनियर या पैरेलल है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और केवल दो वेक्टर है वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है तो ये होगा कोलिनियर हो, इंडिपेंडेंट मतलब एक को दूसरे के टर्म में नहीं लिख पा रहे तो वो कोलिनियर नहीं है, तभी ऐसा हो पाए, क्योंकि अगर कोलिनियर होंगे तब तो लिख सकते हैं। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, केवल दो वेक्टर्स के लिए अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा गया है, देन वेक्टर्स आर नॉन कोलिंग और नॉन पैरेलल, देन एंड क्या लिखा, एंड इफ एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जीरो लिखा है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर वाई बराबर बी, कि x i कैप प्लस y j कैप जीरो लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर y बराबर जीरो, i कैप j कैप लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नॉन कोलिनियर, ठीक है, तो दिक्कत नोट कर लीजिए, किसी को भी कोई डाउट हो इन पॉइंट्स में तो बताइए, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पहले सिंपल, फिर आगे पढ़ें इसमें वेक्टर्स हैं। इफ ए बी एंड सी आर सच दैट एवरी पेयर इज ओनली and a plus b or b plus c are co-linear with c and a respectively, then find vector a plus b plus c, then find vector a plus b plus c, okay, so connect
ओके बोलिए। अभी मैं क्लास थोड़ी एक्सटेंड करूंगा। आधे पौन घंटे एक्सटेंड कर लेते हैं, उसके बाद कौन सर ले ले जा सर नहीं ले रहे हैं क्लास, ठीक है मैसेज मुझे तो, फिर बाद में लेंगे उससे बढ़िया इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। ए बी एंड सी आर सच दैट एवरी पेयर इज कॉलिंग है, तो उससे फिर अच्छा भी लेने की जरूरत है शाम को अपना थोड़ा। हाँ कोटा हो जाएगा मैथ्स का थोड़ा। ए बी सी कोल एवरी पेयर इज कोलिनियर विथ नॉन कोलिंग, एवरी पेयर इज कोलिनियर लिखा है यहाँ पे मिस्टेक होगी, एवरी पेयर इज नॉन कोलिंग। ए बी के साथ नॉन कोलिंग है, बी सी के साथ नॉन कोलिंग है, सी ए के साथ नॉन कोलिंग है, लेकिन ए प्लस बी जो है वो सी के साथ कोलिंग है, बी प्लस सी ए के साथ कोलिंग है, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करना। अब बना लीजिए हो गया। अब तो बताओ आंसर, बोल के बंदा कोई आंसर नहीं बताएगा। ए प्लस बी सी के साथ कोलिनियर, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया लैम्डा टाइम सी, बी प्लस सी एक साथ कोलिनियर है तो बी प्लस सी बराबर के टाइम से लिखो या म्यू ए, चेंज करो ना पड़ेगा ना लैम्डा, चले यहां से सी की वैल्यू एक अनोन का पढ़ने के टाइम्स ए माइनस बी क्या रखते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू लैम्डा इन टू के ए माइनस बी। अब ये a और b क्या है नॉन कोलिनियर, तो दोनों तरफ a और b के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, या एक तरफ ले आइए तो a का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1 माइनस लैम्डा के इनटू वेक्टर a, ऐसे ही प्लस 1 प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b इज इक्वल टू नल है। अब ये नॉन कोलिनियर है तो इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे x और y जीरो, तो 1 बराबर माइनस लैम्डा की इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 1, यहां से फिर लैम्डा की वैल्यू रखोगे ये माइनस 1, ठीक है यार रख लो। देयरफॉर a प्लस b वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू नल वेक्टर, कोई डाउट है किसी को बताइए। क्वेश्चन नंबर टू, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स आर विच वेक्टर्स alpha x minus 2 into vector a plus b and b plus 2x into vector a minus 2b are collinear, इसके लिए ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो जाए, a b नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर टू बनाई सुनो। क्या होगा 1/4 सही है, आसान है, हो गया ना सभी का। क्या करते हैं इसके लिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए और बी नॉन कोलिनियर है ना अल्फा बीटा स्क्वायर में, तो डायरेक्ट ए के ऑप्शन का रेशियो और बी के ऑप्शन का रेशियो बराबर कर सकते हो, या अल्फा बराबर लैम्डा टाइम्स बी लिख करके भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट एक्स के ऑप्शन एक एक ऑप्शन का रेशियो क्या होगा, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री प्लस टू एक्स, बी ऑप्शन का रेशियो वन अपॉन माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स प्लस फोर बराबर थ्री प्लस टू एक्स, फोर एक्स बराबर वन, तो एक्स की वैल्यू 1/4, ये आंसर। कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलस के साथ कंबाइंड करके, है क्वेश्चन वेक्टर का, इन जनरल तो वेक्टर के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आज देखिए कंबाइन भी कर सकते हैं, सभी लोग बनाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बनाइए, कोशिश करें। ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट पार्ट्स, नोट करें, क्वेश्चन नंबर थ्री बनाएंगे, फिर बनाइए और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें, चेक करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही, ठीक है? क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी, करें इसको। Thank you.
आगे बच्चों, पुलकित, वृंदा, किया क्या लग रहा है? एलएमबीटी भी लगेगा, रोज सीरम भी लग रहा हो, इंटीग्रेशन भी आ रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये तो वेक्टर्स हैं। प्रूफ क्या करना है बाद में? वेक्टर्स ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? A and B are linearly dependent. Linearly dependent means collinear. Yes. Then I cap के coefficient का ratio means f x upon g x. J cap के coefficient का ratio minus f dash x upon g dash x. Okay ना? Yes. First multiply कीजिए तो यह हो गया f x into g dash x plus f dash x into g x. अगर ये जीरो हम प्रूव कर दें तो इससे ये लिख सकते हैं भाई दोनों एक ही टर्म का है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पहले चेस मिलेगी, दोनों का एक ही मतलब है। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, एच एक्स है एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो एच एक्स क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। एच डैश एक्स क्या होगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गए। H dash x, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो h double dash x क्या होगा? f x into g dash x plus f dash x into g x। मतलब ये जो टर्म लिखा है ये क्या है? अगर h double dash x जीरो हो जाए तो क्या मिलेगा? Linearly independent हो जाएंगे। तो h double dash x क्या जीरो हो रहा है ये हमें देखना है। h one one है, h two three है। अगर मैं one से two में और h x इन वन टू टू एल एम बी टी लगा तो क्या है? एच डैश सी वन बराबर, एच डैश सी बराबर क्या होता है? एच टू माइनस एच वन। एल एम बी टी यही तो है, अपॉन टू माइनस वन। एच टू की वैल्यू क्वेश्चन में दी है थ्री माइनस वन अपॉन वन, कितना आ गया टू, ये होगा एच डैश सी वन। ऐसे ही फिर टू से फोर में अगर हम एल एम बी टी लगाए टू टू फोर एच एक्स के लिए LMBT लगाएंगे तो एच डैश सी टू लिख देते हैं, इसे दोनों जगह अलग अलग लिखा इसलिए सी वन सी टू लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी? एच फोर माइनस एच टू अपॉन फोर माइनस टू। एच फोर की वैल्यू सेवन माइनस थ्री अपॉन टू, टू आ गया। ये दोनों बराबर है, एच डैश सी वन बराबर एच डैश सी टू। क्या है? एच डैश सी वन इज इक्वल टू एच डैश सी टू। तो अगर मैं इंटरवल लू सी वन से तो उसमें एच डैश इक्वल है, एच डैश इक्वल है तो रोल्स थ्योरम से अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम क्या होता है बताइए?
फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल है, एंड पॉइंट पे वैल्यू अगर इक्वल है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा h डैश का डेरिवेटिव h डबल डैश x बराबर 0 होगा फॉर सम x फॉर एट लीस्ट वन x बिलोंग्स टू c1 टू c2 c1 c2 c1 किस में है 1 से 2 में c2 है 2 से 4 में मतलब c1 और c2 के बीच में जो वैल्यू होगी 1 और 4 के बीच में आएगी दैट इज 1 टू 4 तो h डबल डैश x कम से कम एक वैल्यू के लिए 1 से 4 में 0 होगा मतलब कम से कम एक वैल्यू के लिए 1 से 4 में ये जो वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कौन सा ऑप्शन आया ये और एट लीस्ट 1x बिलोंग्स टू 1 टू 4 नोट करिए बताएं कोई डाउट है इसमें नेक्स्ट लिखेंगे पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर नोट कर लीजिए लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई भी डाउट है कोई दिक्कत है तो बताइए पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये स्विफ्ट की स्पेस फाइल्स ठीक है ये नोट कर रहे हैं सॉल्यूशन जैसा नाम है पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन को बताए स्विफ्ट की स्पेस फाइल्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट in space with respect to a fixed point called origin origin ke respect mein kisi fixed point ke respect mein jo positions ko bata that will be position vector ye hoga na कोशिश करें इस पर ऐसे मान लीजिए ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस ये ओरिजिन है यहां पे कोई पॉइंट P है तो ये जो वेक्टर O को P से ज्वाइन करेंगे ये इस पॉइंट P का क्या होगा पोजीशन वेक्टर जो कि इस रिस्पेक्ट में क्या बताए ये जो वेक्टर है ये पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर और किस डायरेक्शन में जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट है ये ओरिजिन हाँ ये पॉइंट है पी इसको जब मैं इससे ज्वाइन करता हूँ तो ये इससे मैग्नीट्यूड पता चल गया कितनी डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में आई कैप जे कैप तो किस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पर है वो पॉइंट हम उस पॉइंट की स्पेसिफिक पोजीशन मतलब फिक्स पोजीशन बता सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में तो ये कहेंगे दैट इज पोजीशन वेक्टर कि उस पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है ये x एक्सिस और ये x y ये था ये मान लीजिए पॉइंट g है ये है वेक्टर ये डिस्टेंस ये आएगा a i टैग ये 0 ये b तो ये 0 b 0 और इसे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं a 0 0 और ऐसे ही है ये 0 0 c वेक्टर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा सी के कैप ये हो जाएगा ए आई कैप बी जे ठीक है तो ये जो पॉइंट डी है इसका पोजीशन क्या हो देखो तो ये पैरेलल ग्राम है
ये बन गया ए आई कैप प्लस सी के कैप। फिर से इसको अगर ड्राइंग करें, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों वेक्टर का सम ए आई कैप प्लस सी के कैप प्लस बी जे कैप, तो ये बी पॉइंट का जो वेक्टर है दैट इज पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी, वो कौन सा वेक्टर? वेक्टर ओ जी। ये जो वेक्टर ओ जी है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन को जब उससे ज्वाइन किया तो एक वेक्टर बना, दैट इज नोन एज पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप, जहाँ ए इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, बी वाई एक्सिस के लॉन्ग और सी जेड एक्सिस के लॉन्ग इस वेक्टर के कंपोनेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये निकाल सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कितनी डिस्टेंस पर है तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ओरिजिन से डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड, पोजीशन वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इफ टू पॉइंट्स इन स्पेस आर ए एक्स वन वाई वन जेड वन, या इसे आपने मान लीजिए वेक्टर ए लिखा है, एंड बी एक्स टू वाई टू जेड वेक्टर बी लिखना पॉइंट, फिर ब्रैकेट में वेक्टर लिखने का मतलब क्या? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब, इसका मतलब ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। देन ओ ए वेक्टर लिखना है, ओ ओरिजिन है यहां पर, ओ ए वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज वेक्टर ए। और कोऑर्डिनेट मालूम है तो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन जे कैप, ये है वेक्टर ओ और पोजीशन वेक्टर पॉइंट। इस बी ब्रैकेट में बी का मतलब है वेक्टर ओ बी है, वेक्टर बी दैट इज एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू जे, देयरफॉर वेक्टर अगर आपको ए बी लिखना हो तो वेक्टर ए बी दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए और टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करो तो क्या मिलता है? डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, जो बाद में आ रहा है उससे पहले वाले का डिफरेंस, मतलब वेक्टर ओ बी माइनस ओ बी। तो अभी आपको बताया था वेक्टर एडिशन सबट्रैक्शन में, उससे भी निकाल सकते हैं वेक्टर OB माइनस OB दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, क्या हो गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k। ये होगा वेक्टर A। वेक्टर ए भी आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो वो ए और बी के बीच की डिस्टेंस होगी, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड बी एक्स टू वाई टू जेड विल बी A, B, that is root over, which is a magnitude x1 minus x2 square, जो 2D में formula होता है वही 3D में, उसमें z coordinate और आ जाए plus y1 minus y2 square plus z1 minus z2 square, कोई problem? Next इसी तरह से हम section formula centers of our triangles भी लिख सकते हैं। अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स मिल जाए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर से क्या हो रहा है? पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है, या पॉइंट के कोऑर्डिनेट वेक्टर में कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो जाता है, x y से x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है। यहां क्या होगा? या तो 3D में x1 y1 z1 तीनों कोऑर्डिनेट लिखिए या उसका पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते थे? उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते थे, बाकी फॉर्मूले वही है, सिमेट्रिकल है। सेक्शन फॉर्मूला अगर लिखें,
वेक्टर के टर्म में लिखना है तो किसी पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी डिवाइडिंग लाइन ए सेक्टर ए एंड डी इन द रेशियो एन इज टू एन विल एक पॉइंट पी जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को इस रेशियो में ज्वाइन करें एम इज टू एन के रेशियो ए इज टू टी बी एम इज टू एन तो क्या होता है इसका पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन फॉर्मूला जैसे लगाते हैं एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन ए प्लस के प्लेस पर क्या हो जाता है माइनस एक्सटर्नल डिवीजन होता है प्लस है इंटरनल के लिए डिवीजन में माइनस है एक्सटर्नल डिवीजन देन इसी से अगर आपको मिड पॉइंट कितना है मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी That will be A plus B upon 2. समझे? A plus B by 2. Let's begin. Centers of a triangle. जिसमें से first one is centroid. इसके लिए पहले सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल मैं पहले पढ़ते हैं सेंट्रोइड इनके पोजीशन वेक्टर्स लेड़ा है जो ए बी सी सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रोइड मीडियन मतलब मिड पॉइंट को जॉइन करें इसके मिड पॉइंट जब जाएंगे तो क्या बी प्लस सी बाई टू इसके मिड पॉइंट से जाएंगे क्या दैट इज सी प्लस ए बाई टू और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सेंट्रोइड है सेंट्रोइड इस मीडियम को किस रेशियो में ऐड करेगा टू इज टू वन के रेशियो देयरफॉर सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखना है जी का तो क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे वन इंटू ए प्लस टू इंटू इस तो ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री जहां एक क्वाड्रेंट में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है वैसे वही है वेक्टर्स में भी ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो टू इज टू वन स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टिसेस सेकेंड इन सेंटर का क्या होता है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है इन सेंटर ट्राइंगल ए बी सी इसका पोजिशन वेक्टर लेटर है जो अल्फा बीटा और गामा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इस एंगल को जो बाइसेक्टर ए को बाइसेक्टर है आगे जाके डी मीडियन नहीं है डी मिड पॉइंट नहीं
यहां से भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डी जो है इस बीसी को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है, इस पे जेई में भी क्वेश्चन आए। यहां पर देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बीडी इज टू डीसी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करती है, बीडी इज टू डीसी किसके बराबर होता है, ये साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, ए बी इज टू ए सी। अगर ए बी सी है ए सी बी है, बताया था आपको स्ट्रेट लाइन में सर, ए बी सी है और ए सी बी है, ये रेशियो क्या हुआ, सी इज टू बी। अब सी इज टू बी है तो डी का पोजिशन वेक्टर लिख सकते हो, मान लीजिए सी इज टू बी है तो सी का पोजिशन वेक्टर क्या हुआ, डी का बी इंटू बीटा प्लस सी इंटू गामा अपॉन बी प्लस सी, बोलो। अब ऐसे ही दूसरा इंटरनल एंगल वेक्टर ये थर्ड, इन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इन सेंटर, ये है ये इन सेंटर भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है, यहां सेंट्रोइड 2:1 में करता है, वैसे इन सेंटर के लिए भी बताया गया था, इन सेंटर आई डिवाइड्स इस रेशियो में है, यहां ए आई इज टू आई डी जो है ये रेशियो भी फिक्स है, ए आई इज टू आई डी क्या होता है, ये होता है बी प्लस सी इज टू ए, बी प्लस ये दोनों पहले, तो अब ये है बी प्लस सी इज टू ए, सेक्शन फॉर्म लगाओ तो पोजिशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर आ जाएगा, देखो ए इंटू एल्फा प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी कैंसिल प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इंटू गामा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत है से एक्स सेंटर्स, एक्स सेंटर्स क्या थे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंटर वो होता है एक्सेंटर, नोट करिए फिर देखते हैं पोजिशन वेक्टर्स इसका। एक इंटरनल एंगल बाय सेक्टर और दो एक्सटर्नल, इसको आगे एक्सटेंड करो, इसका एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर तो आगे एक्सटेंड करिए, इसका एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये फर्स्ट एक्सटेंडर, ऐसे ही तीन एक्सटेंडर आ रहे हैं, एक्सटेंड करिए बी का इंटरनल एंगल बाय सेक्टर और इसका एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर, सेकंड एक्सटेंडर आएगा, ऐसे ही यहां पे थर्ड एक्सटेंडर आएगा, ठीक है एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल और इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल, बस तीन एक्सटेंडर्स होते हैं, क्या होता था क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में, बस इस ए की जगह पे माइनस ये हो जाता है अगर ए की अपोजिट वाले एक्सटेंडर ले रहे हैं, वही सेम यहां लिखना है पोजिशन वेक्टर एक्सटेंडर आई वन विल बी माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस,
ऐसे इक्वेशन वेक्टर ऑफ एक्स एंटर आई टू बी की जगह माइनस बी लिखोगे ए अल्फा माइनस बी बीटा प्लस सी गामा अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। थर्ड इक्वेशन वेक्टर ऑफ आई थ्री ए अल्फा प्लस बी बीटा माइनस सी गामा अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट नहीं है तो भाई एक्स एंटर नेक्स्ट टू और सेंटर है प्रथम सेंटर है और टू सेंटर नेक्स्ट है सर्कम सेंटर दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड यह होता है सर्कम सेंटर साइड्स का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है और जो बाइसेक्टर ये है सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर वहां से बाइसेक्ट भी करना है इसके डिस्टेंस तीनों वर्टाइसेस से इक्वल होगी अगर ये अल्फा है ये बीटा है गामा है पोजीशन वेक्टर ऑफ एस के लिए फार्मूला तो है लेकिन फार्मूले से हम लोग इन जनरल नहीं करते सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कहीं ट्रायंगल इक्विलेटरल तो नहीं है इक्विलेटरल होगा तो सभी सेंटर कंसाइड कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर कहाँ होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ठीक है और कोई ट्रायंगल है तो भी हम ये देखते हैं ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड कोलिनियर होते हैं उसकी हेल्प से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व फिर भी फॉर्मूला हमने ही पढ़ा है तो सिमेट्रिकल फॉर्मूला यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ सर्कम सेंटर ये फॉर्मूला होता है अल्फा साइन टू बी प्लस बीटा साइन टू बी प्लस गामा साइन टू सी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी ये फॉर्मूला सर्कम सेंटर नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या डेफिनेशन होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आल्टीट्यूड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आल्टीट्यूड तो क्या हुआ पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर altitudes का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मुझे साइड परपेंडिकुलर डालिए इन सभी altitudes का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है आपके पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर विल बी पोजीशन में फार्मूला है लेकिन इनके लिए फार्मूला यूज करके ये प्रॉपर्टीज देखें वो ज्यादा आसान रहेगा फॉर्मूला है अल्फा टैन ए प्लस बीटा टैन बी प्लस गामा टैन सी अपॉन टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी ये हो ठीक है बाकी ज्यादा बेटर मेथड क्या है इनमें ये देखिए जैसे कि स्ट्रेट लाइन में बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आ रहा है तो वो देखें एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल सेंट्रोइड इन सेंटर सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर वन साइड ये सभी वन साइड करते हैं एक ही पॉइंट
in a right angle triangle, orthocenter is vertex at which right angle is met, a right angle is obtained. ए बी सी है, अगर ये राइट एंगल बन रहा है यही ऑर्थो सेंटर, और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है ये सर्कम सेंटर। एंड सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर आप चेक करते हैं कि राइट एंगल भी नहीं आया, आइसोसेल्स ये भी नहीं आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं आया, तो कोलिनियर वाला ये कांसेप्ट यूज हो सकता है। एंड अ ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर ओ सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एंड सर्कम सेंटर सी से रिप्रेजेंट किया, और कोलिनियर एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स, यानी डायग्राम में लिख देते हैं, मतलब सेंट्रॉइड होता है ये जो जी है, ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, याद करने के लिए बताया था स्टूडेंट ने, ओ एन बी सी से याद कर सकते हैं, जी के दो वर्ड होंगे कौन, और इधर एक लेटर है तो 2:1 का रेशियो। ये है थर्ड, नोट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन करो O origin is circumcenter and O dash is orthocenter. O dash is orthocenter of triangle ABC. Then prove that first है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल ओ ओ डैश, सेकंड ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी इज इक्वल टू 2 ओ डैश ओ, 2 ओ डैश ओ। नोट करें, योर इज बना के देखिए, क्या करना है इसके लिए, ओ क्या दिया सर्कम सेंटर ओरिजिन
इसके रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर ए है, इसका बी है, नहीं भी अजूम करें तो भी काम हो जाएगा। ये सब क्या है, ओ ए ओ बी ओ सी, इन पॉइंट्स ए बी सी पे पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट लेट सेंट्रोइड है जी, इसका सेंट्रोइड जी हम ये कह सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन थ्री, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, किसका पोजीशन वेक्टर सेंट्रोइड है। मान लीजिए अगर यहाँ कोई बी पॉइंट है तो यहाँ किसका हुआ पोजीशन वेक्टर सेंट्रोइड, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ओ जी, ये बन गया ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ओ जी, ये होगा। ये सर्कमफेरेंस, ये है सेंट्रोइड, इसी को आगे एक्सटेंड कीजिए, यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए डायग्राम और लीजिए प्लेस डिस्टेंस, मैंने बस डायग्राम को समझने के लिए याद ले लिया, बाहर नहीं है पॉइंट, नहीं तो माइक्रोस्कोप लगानी पड़ जाएगी ना और नीचे पहले देखने के लिए, नहीं समझ में आया कास्टर से ऑनलाइन वालों को। यह है ओ जी ओ डैश, अच्छा दिए? ये है आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर अभी क्या पढ़ा है, आर्थो सेंटर से स्टार्ट करते हुए टू इज टू वन होता है, ये रेशियो है टू और ये है वन, सेंट्रॉइड की तरफ फेल हो गई, तो सेंट्रॉइड है ये आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को टू इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फिर इस ओ जी का क्योंकि हमें ओ ए ओ बी ओ सी पता चल चुका है ना, तो उसी टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे ही ओ डैश बी को क्या लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ डैश, ऐसे ही नेक्स्ट वन ओ डैश सी को लिख सकते हो, ओ सी माइनस ओ ओ डैश, बताइए कोई डाउट है। अभी हमने लिखा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी को क्या लिखा, यहां से लिख दिया ओ ओ डैश, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, और यहाँ ओ डैश ओ डैश ओ डैश माइनस थ्री ओ ओ डैश हो गया, that is minus 2 times o o dash। अगर वेक्टर ए बी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं आप, जितना बी है तो क्या होगा माइनस बी, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या लिखेंगे o dash o minus times, ये हो गया 2 o dash o, यही बात है। चेक करिए बताइए कोई भी डाउट है, अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।